ऑनलाइन शोर से मेरी आवाज आ रही है। बेटा कोई इशू नहीं, वो तो इंसान के साथ ही ये चीजें हैं। जी सर जी, मैंने कल एक कलेक्शन इसमें करवाई थी, आप कहाँ तक पहुंचाई? बी पार्ट तो चलो बी पार्ट भी कर लो, लेकिन चंद गुजारिश पहले मेरी सुन लें, देन फिर अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन आ रहे वो काइंडली फिर पूछ लीजिएगा। बहरहाल आई होप कि अब आपने एटलीस्ट पढ़ लिया हो। आपने बेटा रिक्वायरमेंट ए में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाना था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। आपको 30 जून 2013 के एंगल से स्टेटमेंट बनाने को कहा गया था, लेकिन एक छोटी सी चीज आप हमेशा याद रखें आपने कि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो एक कंपेरेटिव ईयर तो आपने बनाना ही बनाना है। ठीक है सर, तो मीन्स से चेंजेस इन इक्विटी कहाँ से शुरू करनी है? डेट अगर बोल दें 1 जुलाई 2011 से शुरू करनी है। तो प्रॉब्लम फिर ये था कि एक रिवर्स वर्किंग करनी पड़ रही, और इस रिवर्स वर्किंग में अब पर्सन डिविडेंड से एंगल से साइलेंट भी नहीं था। तो ठीक है, हो सकता है आपने वर्किंग करनी, लेकिन चंद बातें मेरी रात सुन के फाइनल कर लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी जरूरत ना पड़े। जी डी, डिविडेंड्स की जरा स्टोरी साथ मिला दीजिएगा जरा। मेरे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है 2013 की, जरा डेटा ढूंढने सारा ढूंढने 8.5 ढूंढिएगा जरा। कितना दिया? 186 नहीं 13 का, ठीक है वो जरूरत नहीं है, शायद 5 से भी हो जाएगा। मैं जरा बीच में डिविडेंड जरा याद करवा दूँ, तो ये 13 का क्लोजिंग है, डेट इसकी बनेगी 30 जून 2013। डेफिनेटली हमें 12 का क्लोजिंग भी गिवन है, 105 30 जून 12। देन प्रॉफिट्स दिए हुए दोनों सालों के, प्रॉफिट्स बता देंगे 82 था 12 और 93 था 13 का। अब इनको एज इट इज रिवर्स जाके ब्रॉड डाउन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डिविडेंड भी है। बारह इसलिए जरा एक्सेलिंग बोर्ड पे देखें कि ये जो 105 क्लोजिंग है 12 का, ये 13 का ओपनिंग भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सवाल। पॉइंट नंबर 2 ऑफ डिविडेंड, ये इस तरह की बातें अब बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ये काफी बहस भी है चेंजेस इन इक्विटी में, लेकिन शायद और अभी बहस बहुत होनी है, इसको फाइनल रखें जरा। सब क्लियर हो जाएंगे या सेंटेंस पढ़े नंबर 2? जरा मैं एक दो सवाल पूछूं आपसे, फाइनल डिविडेंड वाला जरा सेंटेंस। 21 साल का डिविडेंड है 4 पर शेयर, 12 का है 30 जून 12 का है, लेकिन ये किस साल में जाके अप्रूव हुआ? तो रिकॉर्डिंग किस साल में करेंगे? 13 है, कितना? 4 पर शेयर। ऊपर जॉइंट डाटा में जहां शेयर कैपिटल वगैरह दिया हो, अब 30 मिलियन के है ये रुपीज ऑफ शेयर कैपिटल है, तो वो पर शेयर अमाउंट बता रहा है, तो देयरफॉर 30 मिलियन को हमें शेयर्स में कन्वर्ट करना। तो एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तो 30 बाय 10, 3 मिलियन शेयर्स है इसका मतलब। तो 3 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब है 12 मिलियन डिविडेंड बनता था। और क्या है फिर ये डिविडेंड है? कैश डिविडेंड, ये रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में आता सर? ये आता है सर, डिविडेंड की एंट्री बोला, कैश डिविडेंड वाली, कैश वाली। फिर वो बोनस शेयर्स भी हैं, पेएबल बनेगा इसके अगेंस्ट, फिर वो पेएबल अगर पे हो जाए तो उसका रिटेन्ड अर्निंग से ताल्लुक नहीं है। तो मैंने ये डिविडेंड डेबिट यहाँ लिखा, रिटेन्ड अर्निंग से फिर लेस करते हैं। क्लियर है? तो ये वाला बैलेंस हो रहेगा, आप चेक करना चाहें मेरा ख्याल 13 वाला एज इट इज बैलेंस हो रहेगा, चेक करिएगा सही दोनों साइड्स। 198 ऊपर आ जाए, ब्रैकेट पढ़े डिविडेंड वाली, 11 का 12 में कितना डिविडेंड आना है? 3 मल्टीप्लाइड बाय
कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, मिलियन ऑफ शेयर्स, लेकिन अब 5 शेयर दिया पर शेयर, तो 3 इंटू 5, तो डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स में फिर डिविडेंड लेस हो गया, तो ये बड़ा फिर ब्रॉड डाउन एक निकला यहाँ से 38 में रखा, नहीं रिवर्स कर लेगा, तो चेक कर लेगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये रिक्वायर्ड था, यहाँ तक पहुंचना जरूरी था। इट इज अ बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2011, किस ईयर तक के प्रॉफिट्स इसके अंदर है? फिर अब 30 जून 11 तक के प्रॉफिट्स इसके अंदर है। अगर कोई करेक्शन 11 के प्रॉफिट्स में होती या 10 के में होती वो फिर इस 38 में एडजस्ट होनी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा आरएस शायद 12 में था। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, कोई फाइनल कंफ्यूजन इसमें 38 में? देन सर उसके बाद ये जो एरर हुआ हुआ था इसको भी जरा काइंडली 5 मिनट में सर रूल करना, ये एरर था क्या? पढ़िएगा जरा पॉइंट नंबर 1 दोबारा, आराम आराम से पढ़े, आराम आराम से जरूर पढ़े दोबारा। बल्कि सॉरी पॉइंट 1 में तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई, एरर था क्या? किस साल में कितनी की बजाय कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई? 12 में 12.8 की जगह ज्यादा चार्ज हुई, कम चार्ज हुई? ज्यादा चार्ज हुई, 9 मिलियन ज्यादा चार्ज हुई, लेकिन किस साल में? हम किस साल में? तो देयरफॉर ये प्रायर पीरियड एरर, अब ये भी डिसीजन हमें खुद लेने होंगे कि ये प्रायर पीरियड एरर है या करंट ईयर एरर है। अगर प्रायर पीरियड एरर है तो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा, और अगर करंट ईयर में ही एरर है तो पिछले सालों में जाने की जरूरत नहीं। तो क्या 2012 में करेक्शन रिक्वायर्ड है? किस साल में है, किस साल में रिक्वायर्ड है? तो 2012 में करेक्शन रिक्वायर्ड, कैसे? क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी, कितनी ज्यादा चार्ज होगी, रिवर्सल एंट्री बोले? डेप्रिसिएशन पीट होने से प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा, और 2012 का प्रॉफिट होने, 2012 का प्रॉफिट 82 में ये 9 ऐड होता है। तो ये वाली जो वर्किंग यहां तक हुई है, एक सेकंड मोहानी निकाले, मोहानी वाला क्वेश्चन क्वेश्चन निकालो। मोहानी वाले क्वेश्चन में जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बेटा शायद यही एरर है। मोहानी 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 क्वेश्चन 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 वेरी क्वेश्चन वेरी क्वेश्चन वेरी क्वेश्चन वेरी नंबर बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 में रखो 236 सेकंड पैराग्राफ, वहां भी ज्यादा चार्ज है, 10 की बजाय 25 चार्ज है, तो 15 रिवर्स ही होनी थी, तो सिमिलर रही, लेकिन वहां और यहां में एक फर्क है, वहीं रहे मोहानी। वहां बेटा ये नहीं बताया हुआ था कि मेथड कौन सा है, मोहानी 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 में मेथड नहीं पता था। तो अगर मेथड ना पता हो तो फिर हम स्ट्रेट लाइन रिज्यूम करते हैं, स्ट्रेट लाइन अगर रिज्यूम करेंगे तो इसका मतलब फिर हर साल जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है या लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन है उसने कॉस्ट से डिवाइड होना। इट मींस अगर डेप्रिसिएशन कम ज्यादा चार्ज हो भी जाए तो उससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो गलत होगी लेकिन कॉस्ट विल रिमेन सेम। WDV तो गलत होगी लेकिन WDV इज नथिंग टू डू विद द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन वाज साइलेंट, कौन सा वाला? वी हैव अज्यूम स्ट्रेट लाइन मेथड है, therefore WDV तो गलत जरूर हुई होगी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने से, लेकिन नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन गलत क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि कॉस्ट पे चार्ज हुई। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया हुआ उसने? अब नीचे पढ़े पॉइंट नंबर 2, यहां उसने अब ये बताया हुआ है कि मेथड वॉज रिड्यूसिंग बैलेंस, एंड रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? इस साल एसेट खरीदा है उस साल तो कॉस्ट पे ही है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में रेट WDV से मल्टीप्लाई होता। अब अगर डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा चार्ज होगी तो अकॉर्डिंगली फिर WDV भी गलत हो जाएगी, कम या ज्यादा रिस्पेक्टिवली हो जाएगी। तो क्या फिर इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन पे आना ही आना है? तो ये वाली बात जो है ये मैं चाहता हूँ जरा हम थोड़ी सी फिगर्स लिख के भी समझ लेंगे। तो आप लोग जरा पॉइंट नंबर 1 पे आवा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में पूरी डिटेल है, वैसे तो अगर वो डिटेल ना भी होती तो एक मिनट जरा
सिर्फ इसी डेप्रिसिएशन को देखें, पहले जरा जुबानी करके देखें, बाकी फिर मैं फिगर्स समझा देता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। 12 में क्या हुआ था, 12 में क्या हुआ था, क्या ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी? ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने से क्या WDV कम हो जाएगी? हिम्मत 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 हिम्मत, ये जुबानी भी नेक्स्ट ईयर सोचा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वर्किंग करूं। मैं फिगर इसलिए एक दूंगा क्लियर हो जाए, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ये तो डेप्रिसिएशन हमने अब रिवर्स की है, हमने रिवर्स की है। पहले चार्ज कितनी थी, 21.8 चार्ज थी इंस्टेड ऑफ 12.8, तो 9 मिलियन ज्यादा चार्ज होने से क्या WDV भी 9 मिलियन से ज्यादा कम हो जाएगी? और WDV ज्यादा कम होने से जब नेक्स्ट ईयर रेट लगेगा तो क्या 9 मिलियन WDV कम होने से कैलकुलेटेड है? 9 मिलियन WDV कम है, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, कम है कम है कम है कम है कम है, कितने से कम है, कम है, जल्दी कर जल्दी कर, मतलब भूल जाएगा। 9 मिलियन WDV कम होने से मल्टीप्लाई बाय 20% चलेगा, 1.8 ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी फिर 13 में, या कम चार्ज हुई होगी? दोबारा शुरू करें, क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज थी? ज्यादा चार्ज थी, इससे क्या होता है WDV कम हो जाएगी, और क्योंकि रेट अब WDV से लगने थे तो कम 9 मिलियन कम WDV से जब रेट लगा होगा तो 1.8 मिलियन डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी किस साल में, 13 में। हम कैसे कह सकते हैं, हमें मेथड का पता है, मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट WDV से लगते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हिम्मत की जाए तो 1.8 मिलियन फिर 13 में कम चार्ज डेप्रिसिएशन है, विच शुड बी चार्ज या विच शुड बी रिवर्स, विच शुड बी चार्ज। लेकिन जरा बारह फिगर्स का सहारा ले लेते हैं क्योंकि फिगर्स अवेलेबल है। पॉइंट नंबर वन करो, ये मैं एक वर्किंग लिख रहा हूँ, ये आपने भी नोट करनी है, लेकिन खाली पहले मुझे करवा दूंगा। ये सब खरीदा कब था, फर्स्ट राइट टेन कितने का, 80 मिलियन का, पहला साल से मल्टीप्लाई हुआ होगा कॉस्ट से, कैलकुलेटर करते कैलकुलेशन करते जाएगी। 16 किस साल चार्ज हुई होगी, ना करें यार डेट बोल दिया करें, 11 वाले साल में कोई गलती उसने नहीं बताई तो भैया अजीम पे सही चार्ज हुई। देन WDV हो गई 64, यहां तक ठीक था अकॉर्डिंग टू सवाल, यहां तक ठीक था। अगले साल फिर अब डेप्रिसिएशन बनती कितनी है, बनती कितनी है, लेकिन चार्ज कितनी हुई है, बनती कितनी है, तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि बनती कितनी है और चार्ज हुई कितनी है। तो मैंने ये 12% नहीं लिखा, मैंने वो लिखा जो क्वेश्चन में है, ये वो है जो होना चाहिए था, शुड बी समझ रहे हैं क्या मतलब शुड बी, होना चाहिए था, इस तरफ नाम लिखवा इधर के Has been, would be ठीक, कहना क्या चाह रहे हैं, ये हुआ है वो होना चाहिए था, तो हुआ है has been ठीक है, आप कल कह रहे थे has been wrongly erroneously charged has been, what is the has been, तो difference इसमें कितना, 9, क्या करना था इसका, to be reverse इस साल में 12 में, तो ये तो टू बी रिवर्स था, इसकी तो बात हो गई। लेकिन अगर 12.8 मिलियन ही चार्ज होता तो फिर WDV क्या होती, और 21.8 अगर चार्ज हुआ तो फिर WDV क्या होगी, सॉल्व कर दे मुझे, हैज बीन में सॉल्व कर, 42.2। अब WDV होगी फिर ये हो गई होगी 42.2, हालांकि होनी क्या चाहिए थी 51.2 होनी चाहिए थी। अब 13 में मैं 13 में, अब अगर सही रेट लग भी जाए, सही रेट लग भी जाए, सही वर्किंग कर भी ली जाए, तो क्या WDV ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से जो गलत हुई है तो नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन गलत ही कैलकुलेट होगी? मतलब अब अगर हम गलती ना भी करें तो क्या गलत होने से अब डेप्रिसिएशन गलत होना ही होना है? सॉल्व करें, 42.2 पे
अब 8.44 चार्ज हो गया होगा, क्यों 42.2 की बेस पे, लेकिन चार्ज होना कितना चाहिए था 10.24 चार्ज होना चाहिए था। डिफरेंस लें 41.8। अब फिगर्स देखें और सर, क्या ज्यादा चार्ज हुई है पहले? 8.44 चार्ज हुई है, होनी चाहिए थी ज्यादा, तो 1.8 मिलियन का क्या करेंगे? टू बी चार्ज। तो दोबारा एक सेकेंड जरा विदाउट दीस फिगर सोचें, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने से डब्ल्यूडीवी कम हो जाएगी। सर जी मत करिएगा सर, और डब्ल्यूडीवी फिर कम होने से अकॉर्डिंगली, जब कम डब्ल्यूडीवी से रेट लगाएंगे आप, तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली कम ही चार्ज होगी। तो यकीन है वैसे जुबानी सोचना चाहिए ऐसा ऐसा, लेकिन होपफुली अब बात बिल्कुल क्लियर है। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस 1.8 मिलियन? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अपना जरा एक फाइनल कर लें, जरा क्वेश्चन में देखें व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ 1393, उसमें फिर 1.8 लेस करेंगे। बेटा प्लीज ना डेप्रिसिएशन बढ़ा देना यार, जज्बाती कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन यकीन बढ़ रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन के बढ़ने से फिर 2013 वाला प्रॉफिट 1.8 मिलियन से कम हो जाएगा। अब नोट करें ये कहीं जहां पे आपने सॉल्व किया, आइडियल तो है कि जहां आपने सॉल्व किया हुआ उसी पास अगर जगह बना सके। बहरहाल अब अगर किसी की कोई कंफ्यूजन रह गई है तो पहले वो भी बता दो, मेरी किसी बात में कंफ्यूजन अगर रह गई है। अब बेटा कमर ऐसे ना किया करो यार, क्वेश्चन में गिवन है, अभी तक सवाल ही नहीं पड़ा है। 21.8 कहाँ से आया सवाल से? यकीन मान सवाल से, अभी मैं इसका जवाब ही और कोई नहीं दे सकता। जब कहते हैं मैं अजीब जवाब दे रहा हूँ, ये यकीन मान आया सवाल से, 21.8 कहीं से नहीं आया, सवाल से आया। जो गलत डेप्रिसिएशन चाह रही है उसी को सारी स्टोरी है। बेटा ये जो 12 में एरर हुआ है उसी का इफेक्ट 13 में आ रहा है, तो जो 12 में एरर हुआ है बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये उसी वजह से बेटा प्लीज 13 में इसका इफेक्ट अब आना ही आना है। इस गलती की वजह से अब ये इफेक्ट्स बेटा मिलने ही मिलने हैं, सॉरी ये आने ही है नेक्स्ट ईयर में। तो अब ये नहीं कि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ, कौन सा मेथड होने की वजह से अब ये एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आगे आने ही आने हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस होने की वजह से डब्ल्यूडीवी हमारी गलत हो गई है, तो फ्यूचर की फिर डेप्रिसिएशन अंडरस्टूड बात है कि गलत हो गई होगी। ये ठीक है, प्लीज क्लियर। ये फैजान साहब, वो तो आपका बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यार, ये चीजें सारी पता है आपको पहले। ये सारे आपको आंसर से मिल जाएंगे। तो 2012 में 9 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ेगा और 2013 में 1.8 मिलियन से प्रॉफिट कम होगा। ये कर लिए नोट, बाकी आप वो बी पार्ट कर दीजिए, करेक्शन ऑफ एरर नोट। जी करेक्शन ऑफ एरर नोट जरा बनवा दे, मुझे कहा जा रहा है जरा करेक्शन ऑफ एरर नोट।
आप लोगों ने बना लिया वैसे? फ्रैक्शन ऑफ एरर नोट आप बना लेना था यार, वो तो मैंने परसों कहा था रहने दे, तो कल आप बना तो लिया था। परसों वाली बातें सारी याद है, कल वाली बातें याद नहीं। परसों मैंने क्यों कहा था फ्रैक्शन ऑफ एरर नोट, क्योंकि अभी हमें बनाना नहीं आता था, कल आप बना तो लिया था। अब बोर्ड से देखे ना बनाइएगा, सिर्फ सुने, घर जाके दोबारा बनाइएगा। फ्रैक्शन ऑफ एरर नोट क्या क्या बनाना होता है उसमें? नेचर ऑफ एरर आप इंग्लिश में खुद लिखिएगा, मुझे सिर्फ लाइन आइटम्स के इफेक्ट्स बता दो। जल्दी हो जाए, जल्दी होने एक क्वेश्चन अच्छा स्टार्ट करो। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स, किस किस की लाइन आइटम्स? ये आपने कहानी खुद बनाना है, ऐसे बोर्ड से देख के लिखने की मैंने आपको लिखने का टाइम भी नहीं देना, मैंने बोल ही जाना। सवाल देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्या तरीका है इसका? किस साल का ये डिस्क्लोजर बनना है? हर साल का, ये कंपैरेटिव ईयर्स का बनना है। क्वेश्चन देखकर बताएं कंपैरेटिव ईयर क्या है? 11, सॉरी 12। अब एंट्रीज आपने होपफुली लिखी हुई है, अपनी वर्किंग्स बनाए। क्या प्रॉब्लम क्या है 11 में, सॉरी 12 में? क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई थी, हम क्या करेंगे? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, बल्कि कहना चाहिए हमने क्या किया है, हमने डेप्रिसिएशन बढ़ाई है, कम की, कितने से 9, उससे क्या होना है? इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितने से 9। तो और तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं है, बैलेंस शीट में है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से आप यही एंट्रीज देखें, मिस्टेक कर रहे हैं इसमें कल भी आप। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इफेक्ट्स कहाँ आएंगे? कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट नहीं, पहली एंट्री देखें ना करें, जल्दबाजी नहीं करें। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट की भी स्टोरी है, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन इफेक्ट करती है किसी को, किसे? नॉन करंट एसेट्स में है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या वो इफेक्ट होगा? सोचे, फाइनल बताएं। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होने का मीनिंग क्या है? एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन कम हो रही है, जिससे क्या होगा? क्या वर्ड्स लिखो? इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कितने से इंक्रीज? 9 से। दूसरी एंट्री देखें, वही एंट्री नीचे देखें दोबारा, क्या अल्टीमेटली जो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई है, इसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचें 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 सोचें, प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है? डेप्रिसिएशन बढ़ रही कम हो रही है? हिम्मत हिम्मत, डेप्रिसिएशन कम होगी क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ के क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। 8 से, कितने से? 9 से। किस साल का डिस्क्लोजर बन रहा है? 12 का, और 13 का भी, 13 का क्यों नहीं बनाना? तो 1.8 क्या है? 13 का है, वो क्यों नहीं यहाँ आ रहा है? वो फर्स्ट ईयर है, क्या वो करंट ईयर में एरर है? 1.8, हिम्मत करें हिम्मत, करंट ईयर एरर है, करंट ईयर में ठीक कर लें। शेयर होल्डर्स कैसे बता के जरूर परेशान करना है, लेकिन किस साल में बता के जरूर बताना पड़ना है, क्योंकि वो फिगर्स पहले उसके पास चली गई हुई है। अब आप बनाना चाह रहे हैं, प्लीज देख के बना लें, लेकिन एक मिनट से ज्यादा बनाए। इसके ऊपर दो लाइनें थोड़े नेचर घर से लिखेगा, और अगर डिस्प्ले कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट बना लें, 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 खुद भी बनाए, लेकिन अभी बना लें।
जी डेफिनेटली बेटा, मैंने वो भी तरीका बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग्स का डिफरेंस भी लिया जा सकता है। रिवाइज रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी 114 है शायद, और 105 पहले हैं, 9 में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात। ये नोट कर लिया सबने? अब इसमें फाइनली कोई कंफ्यूजन है? आफ्टर ऑल द बेस्ट, वाइंड अप ए बेस्ट, पेज नंबर निकालें 245। एक क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने की रिक्वेस्ट की थी, टाइम ही नहीं मिला। तो पता चला क्या डिफरेंस है इसमें? अगर इन्हें शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए तो जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें करंट ईयर एरर था, उसमें भी करंट ईयर एरर था, इसमें प्रायर ईयर एरर ठीक करते करते करंट ईयर में भी एरर हो गया। नहीं पढ़ा, इसमें ठीक किया गया है, लेकिन कैसे ठीक किया गया है? प्रोस्पेक्टिवली ठीक किया गया है। हिम्मत जवानो, हिम्मत करना कैसे था? समझ आ रही मेरी बात? इसे नहीं पढ़ा, इसे ठीक किया गया है लेकिन प्रोस्पेक्टिवली, हालांकि ये एरर है और एरर को होना चाहिए रेट प्रोस्पेक्टिवली। लेकिन मैं ये इंशाल्लाह क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा। आप लोग एक फेवर ये करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 देखें। ये बेटा ये क्वेश्चन भी वही डेफोडिल्स पढ़ाने वाला है। पिछले चैप्टर में जाके जरा ढूंढ देना, वहां डेफोडिल्स कहाँ है। डेफोडिल्स, डेफोडिल्स क्वेश्चन नंबर 2 था वहां। पुराना पेज नंबर जरा चेंज इनिक्विटी का, पेज 49, पेज 49, पेज 49। असल में ये जो क्वेश्चन थे ना, ये थे ही आईएएस 8 के, जिन्हें आप लोगों के लिए उस जमाने में चेंजेस इनइक्विटी का बनाया गया था जिस जमाने में आईएएस 8 था नहीं। लेकिन अब अगर हम इस वक्त टाइम सेव कर सकें, इस डेफोडिल्स में भी जो ओरिजिनल डेफोडिल्स अब है पेज नंबर 246 पे, इसमें भी एक एरर है डेप्रिसिएशन वाला। तो अब आप करें आज हिम्मत ये जरा कि ये पार्क क्वेश्चन और डेफोडिल्स जो पहले हो चुका है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, वो सब कुछ एज इट इज है, रिवाइज हो जाएगा, और जो IS-8 की स्टोरी है वो कोशिश करें कंप्लीट कर सके बीच में। IS-8 में अगर करेक्शन ऑफ एरर है तो फिर वो रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होती है, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। तो अब ये कौन से दो सवाल आज घर के लिए देने लगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जहां जो चीज याद ना आए वो डेफिनेटली पहले आप रिवाइज करें राइट शेयर्स के एंगल से, जो ओरिजिनली सॉल्व किया हुआ वो सब चीजें एज इट इज है। वट इज द न्यू थिंग ओनली इन दिस केस, IS-8 की बीच में इन्वॉल्वमेंट है, जरूर कोशिश करें। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड नहीं है। जो डेफोडिल्स का इशू है वो वही है जो शायद अभी डिस्कस हुआ है, वहां शायद मेथड रिड्यूसिंग है लेकिन उसे अप्लाई गलत किया गया। अब इस तरह की चीजें कोशिश पूरी करनी चाहिए ताकि क्लास में हमारे लिए जरा नए नए मसाइल के लिए टाइम बाकी रहे। कर लेंगे सर, सर कर लेंगे सर, आवाज ही गायब होगी सर। पेज नंबर 241 पे आ रहे, आवाज निकल ही नहीं पाई, कोशिश तो बहुत की, सच बोलना चाह रहे हैं हम, लेकिन क्या ये सच हो सकता है कि इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे? तो अब इस इंशाल्लाह को बस अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट होना चाहिए कल 11 बजे से पहले पहले, वरना क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाना है अगर जिंदगी मेरी रह गई। लेकिन बेहतर क्या है कि खुद से अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्जन हो सके। पेज 241 पे आ जाए, आज हम जरा एक अच्छा सवाल होते हैं। पेज नंबर 241 पर है बेटा, इसरा ना करें, अभी गेम शुरू हो लेने दें। एमसीक्यूज आज सारा दिन क्लास है, रिमेनिंग टाइम में एमसीक्यूज करने हैं, मेरे लिए इशू नहीं है, खुद आगे साथ साथ चले, इस तरह नहीं होंगी चीजें। एम एम ई तक नहीं पहुंचे, क्यू एस तक कैसे पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना शुरू करें। इस नाम से क्वेश्चन है, अपनी समझ के पढ़ेंगे। ऑरेंजेस लिमिटेड इज कंपनी ऑपरेटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, द फॉलोइंग ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन हैव बीन प्रेजेंटेड टू यू टुगेदर विद एडिशनल इंफॉर्मेशन
दैट अंडरलाइन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपरेशन देयर ऑफ, एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंसिडर किए बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं। नीचे थोड़ा सा पढ़ के बताएं किस साल की, 2003 की रिक्वायरमेंट में जाएं अगले पेज पे। रिक्वायरमेंट्स पढ़े जरा चार, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, शो द जनरल एंट्रीज दैट वुड बी नीडेड दैट वुड नीड टू बी प्रोसेस्ड, ब्रैकेट पढ़े। ये आपके लिए लिखा तो मैंने हुआ है लेकिन अभी शायद लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। जनरल एंट्रीज उसने मांगी है, 2003 से रिलेटेड अगर एंट्री हुई तो वो तो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस में ही करेंगे, लेकिन अगर 3 से पहले की कोई एंट्री हुई तो वो 3 के स्टार्ट पे खड़े होके रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू करेंगे। किसी को याद आता है सर किन सालों की रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू में करेंगे? 3 से पुरानी सारी रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू और 3 वाली एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के थ्रू। ठीक है सर, रिवीजन हो जाएगी अच्छी से। सी पॉइंट पे प्रिपेयर 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 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किस साल किस साल किस साल? 3 3 3 3 आगे, और फिर देन एक नोट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट भी आज बनाएंगे, ये पहले नहीं बना हुआ, और एरर करेक्शन का भी नोट बनाएंगे। एरर करेक्शन नोट क्या होता है? नेचर ऑफ एरर, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स, कंपैरेटिव ईयर्स का बनता है, और चेंज इन एस्टीमेट का नोट क्या होता है ये इंशाल्लाह भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन नोट्स वर्ड से मीनिंग क्या होता है कि डिस्क्लोजर्स बनाना। ठीक है, किस किस का डिस्क्लोजर मांग रहा? चेंज इन एस्टीमेट का भी अब मांग रहा है और एरर करेक्शन का भी मांग रहा है। तो 13 2003 के एंगल से स्टोरी है। तो वापिस आए जरा पिछले पेज पे, किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई मिल भी गई हैं? 3 की बनी हुई मिल भी गई हैं, लेकिन उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी कंसिडर, कौन से साल को भी बना लिया गया है विदाउट कंसिडरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो जाए ना, उसी तरह शायद जिस तरह वंडर लिमिटेड में भी हुआ था। नीचे आ जाए, प्रॉफिट दिया हुआ 3 और 4 3 और 2 का, एक कंपेरेटिव ईयर बताया हुआ, फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में क्या क्या बताया हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसी को शायद फिर ब्रेक किया हुआ है मशीनरी और इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट्स में। मेरा ख्याल है कैलकुलेटर उठाएं जरा, ये दो जो फिगर आ रही हैं इन्हीं का सम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने है, एक चेक कर लूंगा। 152 और 1065 जो लिखा हुआ है इसी का सम 1217 लिखा हुआ है। तो किस को दो हिस्सों में बताया हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मशीनरी और इक्विपमेंट की रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट्स में बताया हुआ, और इसमें दो कंपेरेटिव ईयर्स हैं, तो जितना कंपेरेटिव पॉसिबल होगा हम उतनी वर्किंग करेंगे। देन रिटेन्ड अर्निंग्स के क्वेश्चन मार्क्स हैं नेक्स्ट पेज पे, किन किन सालों में, 3 और 2 में, और 1 मिलियन गिवन है। 1 मिलियन देख के गौर से बताएं ये किस डेट का क्लोजिंग बैलेंस है, 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग बैलेंस है। किस डेट का ओपनिंग होगा, 1 जनवरी 2002 का ओपनिंग है, ये लिख लें ओपनिंग के एंगल से इसका डेट लिख लें। सॉरी थोड़ा सा डेटा पिछले पेज पर चला गया, फाइंड लिंक करना था। 1 मिलियन क्या है, 2001 का क्लोजिंग है जो 2002 के लिए ब्रॉट डाउन होगा। अब उसके बाद हमें क्लोजिंग बताया नहीं भाई 2 के और 3 के, लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 2002 के ओपनिंग से स्टार्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह लॉजिकली क्लोजिंग भी 2 और 3 का निकाल लेंगे। तो अब ये गिवन नहीं है लेकिन इंशाल्लाह भी कैलकुलेट हो जाएंगे। चले आगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन जी। ड्यूरिंग 2003
कंपनी चेंज द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इट्स मशीनरी फ्रॉम 5 to 10 years, सॉरी 5,000 to 10,000, एंड चेंज द टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ फ्रॉम 10 to 15 years. मशीनरी हैड ऑल बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2000. एक एक्स लिखा हुआ, एक्स सिंपली जीरो है. 1 जनवरी 2000 जीरो कर रहे हैं. एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,50,000, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन. किस साल मशीनरी को खरीदा है? 1 जनवरी 2000. कितने साल बाद एस्टीमेट्स बदल रहे हैं? टॉस कर लेते हैं. फर्स्ट ईयर में कौन सा आएगा? 31 दिसंबर 2000, 2001, 2002, 3 में बदल रहा है. तो कितने साल बाद एस्टीमेट बदल रहा है? दो बार. बेटा गिन ले यार, अब तो 3 गिन. पहला कौन सा साल? 2001. बेटा 2000 भी तो गिनना है. किस डेट पे परचेज किया है? 1 जनवरी 2000. पहला ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा? 31 दिसंबर 2000 भी कंप्लीट होगा. एक साल हो गया. 1, 2, 3 साल बाद 3 में चेंज होगा. क्या क्या बदल रहा है? क्या क्या बदल रहा है? रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट भी बदल रहा है और यूजफुल लाइफ का भी बदल रहा है. मेथड भी फर्ज करें बदल जाए तब भी करना क्या है? WDV पहले निकालनी है और जो चेंजेस आ रही है उसके मुताबिक रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ की बेस पे, रेजिडुअल वैल्यूज की बेस पे अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे. किन सालों की डेप्रिसिएशन अनचेंज रहेगी? 2000, 2001, 2002 में अनचेंज रहेगी या वो भी चेंज हो जाएगी? एस्टीमेट चेंज है या एरर हुआ है? प्रोस्पेक्टिवली करेंगे या रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे? क्या मतलब प्रोस्पेक्टिवली? अकॉर्डिंग टू सवाल 2003 से ऑनवर्ड्स करेंगे चेंज. इन सालों में जो हो गया वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पिछले सालों में जो हो गया वो अनचेंज है. तो एक एस्टीमेट चेंज है किसका? मशीन की. आगे चलो. जी जी ठीक है, जो करना कर लो, लेकिन लिख के करेंगे. इसके डिस्क्लोजर्स बनने, लंबी वर्किंग जोन इक्विपमेंट. ड्यूरिंग 2003 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2001, क्या कॉस्ट हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू इक्विपमेंट. अंडरलाइन करना पड़ेगा. अगर आपने कंसंट्रेट किया तो ये बात बिल्कुल सिंपल निकल आई है, और अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो ये एक रॉकेट बन जाना. और अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाउंटेंट्स रॉकेट नहीं बना सकते, हम सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हैं, लॉजिकली सोच सकते हैं. तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, वरना मुफ्ती साइंस बनी हुई. मेरा सवाल हो सकता है वो ना हो जो आपने जवाब सोचा हुआ, तो संडे सर दोबारा पढ़ो. क्या बेचा है? गुड्स बेची, इन्वेंट्री, गुड्स कब बेची? करंट ईयर में या प्रायर ईयर में? इसी प्रायर ईयर की बात हो रही है. ठीक है, इसी प्रायर ईयर की बात हो रही है. वन, क्या जब चीजें बेची जाती हैं तो सेल प्राइस पे बेची जाती हैं? जी सेल प्राइस पे बेची जाती है. सेल प्राइस बताएं. कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ सेल प्राइस. आनी मुकाय एक लिखे नहीं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. क्या चीजें सेल प्राइस पे बेची जाती हैं? अच्छा बेटा प्लीज ये लिखना लीजिएगा काइंडली, थोड़ी देर बाद. व्हाट इज 3 लाख? इट मींस सेल प्राइस गिवन नहीं. सेल प्राइस पे क्या एंट्री होती है कोई? अगर चीजें बेची हैं तो क्या सेल प्राइस पे एंट्री करते हैं? क्या एंट्री होती है?
कैश या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट दोबारा पढ़े, उसकी कोई स्टोरी नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो डेटर या कैश डेबिट सेल क्रेडिट जेम रख के पढ़ने, उसमें कोई इशू नहीं बता रहा, तो कौन सी एंट्री जेन से फॉरन निकाल दें कि सेल में गलती नहीं। सर एक मौका तो दे, सारा सस्पेंस ही खत्म कर दो, एक मिनट जरा बच्चों को इकट्ठा। यही प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम सेंटेंस देख के डी ट्रैक हो जाएंगे, जिस तरह कल हुए हम एक सेकंड जल्दी से वो निकालें, जरा आसिफ इंजीनियर कई नंबर बताए ढूंढे, जल्दी 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 सवाल घूम के अपने लगे ढूंढे ढूंढे, आसिफ इंजीनियरिंग आगे था आगे था आगे था आगे था आगे था आगे था आगे था, पेज नंबर कौन सा था, इस पेज नंबर 244 से अगले पेज पे जाके पहली लाइन पढ़े कि कल मैंने आपको एंड में जाते जाते कि एंट्री लिखवाई थी। देखिए प्रॉब्लम क्रेडिट में नहीं था, डेबिट में प्रॉब्लम था, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में इशू नहीं था, एक्सपेंस डेबिट हो गया था, एसेट डेबिट होना था। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम है क्या। तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री थी फाइनली हमारी, रेक्टिफाइंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, एंड दिस एंट्री इज नथिंग टू डू विद द स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट डेबिट। वो सही था, प्रॉब्लम क्या था, एक्सपेंस डेबिट हुआ था और हम चाह रहे थे कि एसेट डेबिट हो जाए, तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री हुई, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट नथिंग टू डू विद द हेडिंग ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो अनचेंज सेम लिख ली थी हमने। तो वंस अगेन अगर कोई एरर है तो आइडेंटिफाई करें गलती है कहां, वापस आए कहां गलती नहीं है, क्या चीजें बेची हैं लेकिन सेल में गलती नहीं बता रहा, गलती कहां बता रहा है, अब आए आइडेंटिफाई करते हैं, गलती कहीं बता रहा है, किस चीज की गलती बता रहा है, किस अमाउंट की गलती बता रहा है, नहीं किस अमाउंट की, अमाउंट कॉस्ट की अमाउंट में कोई गलती बता रहा है, कॉस्ट की अमाउंट में कोई गलती है, पढ़े दोबारा आराम से, क्या गलती हुई है। अब जरा इसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेट करेंगे कि इस कॉस्ट को कहां डेबिट होने की बजाय कहां डेबिट कर दिया, पढ़े पढ़े आराम से आराम से आराम से आराम से पढ़ने पढ़ने सारे पढ़े सारे पढ़े आराम से पढ़े आराम से। सर जी जब चीजें सेल होती हैं तो अब आप बड़े हो गए हैं, क्या सेल के साथ साथ कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड होती है? हाँ यकीनन कब होती है, अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हो। कभी आपने एंट्री सुनी देखी कभी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट किस अमाउंट से? तो ये जरा ध्यान में रखे सेंटेंस पढ़ो, क्या स्टॉक क्रेडिट करने में गलती हुई है, पढ़े पढ़े आराम से पढ़ी जाए, बार बार पढ़ी जाए, ढूंढी जाए ढूंढी जाए, कैश को रिकॉर्ड करने में गलती हुई है ना करिए, क्या 3 लाख का कैश आना था, क्या इस अमाउंट से कैश डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री होनी थी, या इस अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक या इन्वेंटरी क्रेडिट एंट्री होनी थी? तो कैश डेबिट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट में कोई इशू नहीं है, क्यों, ये वो अमाउंट ही नहीं है, ये कौन सी अमाउंट है, ये तो उस इन्वेंटरी की कॉस्ट है, तो क्या इन्वेंटरी की कॉस्ट की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट होनी थी? बताएंगे सोच के हुई क्या है, पढ़ के हुई क्या है, हुई क्या है, वो ही क्या है, स्टॉक क्रेडिट में इशू बना है, कहां इशू बना है, रेक्टिफाइंग एंट्री बताएंगे सर, रेक्टिफाइंग इक्विपमेंट डेबिट तो हो गया है और डेबिट कर दें कैसे ठीक करें सर, इक्विपमेंट क्रेडिट सेल डेबिट किस दिन ही एंट्री होनी चाहिए असूलन, किस दिन, डेट 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 5 जुलाई, क्या ये एरर हुआ है, क्या ये एरर हुआ है, प्रायर ईयर एरर है, रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक होगा,
बोलते बोलते कुछ जवाब भी आ गए सर। लिखिए सर एंट्री। स्टॉक का जिक्र ही कहीं नहीं किया मैंने। मिस्टेक ठीक हो रही है क्या? सब कुछ हम नहीं करना है? या गलती अगर हो गई है तो बस वो ठीक करनी है? क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया है? बोलने सर जी, बोलने 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 सर, बोलने रहते हैं। थक गए अभी से। क्या डेबिट की बजाय क्या डेबिट हो गया है? क्या प्रॉब्लम डेबिट्स में है या क्रेडिट्स में है? ठीक है इंटर एग्जाम्ड है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। यहां तक तो पहुंचे थे यार, लेकिन जैसी एग्जम्पशन आई फिर क्या ये अंडरस्टूड था कि पुराना बुलाना भी जरूरी है? अगर ना बुलाया तो एग्जम्पशन ही मिलेगी? नहीं सर ऐसी नहीं था, ऐसी तो नहीं था। ये नेसेसरी कंडीशन तो नहीं थी? अगर किसी को इंट्रो आती हुई तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिल गई? क्या गलत हुआ है? प्लीज दोबारा एक दफा फाइनल करना। कोई भी मिस्टेक हम लिंगर ऑन करके आगे नहीं बढ़ा सकते सर, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक और चीज पे बाएं फाइनल, अगली लाइन पढ़ो। टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑन टैक्स बेसिस, ये सॉरी वंस अगेन एक ऐसा लाइन आ गई है जो एफ ए टू से आ गई है, तो इसको काटना है, इसको अंडरलाइन नहीं करने से काट रहा। कौन सी वाली? काश IS-8 एफ ए टू में आप पढ़ते आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते, लेकिन मजबूरन इस वक्त टैक्स की स्टोरी एफ ए टू में है, तो इसको जरा करनी। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन किया मैंने, काट दी, अगली लाइन में आ सकती है। सॉरी है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वॉज अदरवाइज 12 लाख ऑल हैविंग बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2001। कहाँ गलती हुई थी? इक्विपमेंट में। अगली लाइन, द कंपनी डेप्रिशिएट्स इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10% टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू, ब्रैकेट पढ़े इंग्लिश का टेस्ट लें, अ पोर्शन फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर वेयर अप्रोप्रिएट। सोच के बताना है, पढ़े आराम से तसल्ली से। टाइम बेसिस कह रहा है या फुल ईयर? तो सिंपल है, मैंने भी यही पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट? क्या प्रोपोर्शन करना है फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर वेयर अप्रोप्रिएट? टाइम बेसिस फुल ईयर देखें। अगर ये लाइन ना भी होती और डेट्स अवेलेबल होती तो हम करते, लेकिन अगर ये लिखी हुई है तो ये भी ना कम इसे पढ़ के कहीं और ही निकल जाए। अगर लिखा होता नॉट अ पोर्शन फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फुल ईयर पॉलिसी बन जानी थी। नॉट अ पोर्शन, क्या पोर्शन करना है वेर एवर इज एप्लीकेबल? टाइम बेसिस फुल ईयर, एनी कंफ्यूजन? यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट ए में जाए वापस। क्या गलती से पिछले सालों में इक्विपमेंट ज्यादा डेबिट हो गया था? तो क्या फिर वो भी हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए था? क्या हुआ होगा? तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रिवर्स करेंगे? रिवर्स क्यों करेंगे? आगे चले, फर्दर जनरल इंफॉर्मेशन। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट 1 जनवरी 2002 वॉज 1 मिलियन। ऊपर ढूंढने का 1 मिलियन कहीं। अगर ये लाइन ना भी होती तो क्या आपको पता है क्या ये 1 जनवरी 2002 का ओपनिंग बैलेंस है? देर वर नो डिविडेंड डिक्लेरेशन और ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका पता? तो रिजर्व भी क्रिएट होते हैं सर, रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व बन जाते हैं। जरूर बेटा टाइम दीजिएगा डेफोडिल्स वगैरह को, बेहतरीन रवियन के साथ साथ आगे आगे भी जरूरत पड़नी है। बट बताएंगे ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई एंट्री? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट रिजर्व क्रेडिट, स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट। तो कहता है ना कोई डिविडेंड डिक्लेरेशंस है और ना ही कोई ट्रांसफर्स हैं रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह से या वहां से। किन किन सालों में? 2-3 में। इट मीन सिर्फ प्रॉफिट ही की गेम है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ऑल अमाउंट्स आर कंसिडर्ड टू बी मटीरियल सिग्निफिकेंट। ये ना भी लिखा हो तो आप क्या अज्यूम करेंगे? लेकिन अगर इमटीरियल लिखा हो वो चांस कोई नहीं उसका, लेकिन अगर लिखा हो तो व्हाट इज द मीनिंग इमटीरियल इनसिग्निफिकेंट। तो वो अगर इनसिग्निफिकेंट गलतियां कभी जिंदगी में हो भी जाए तो वो कोई इश्यू नहीं होता। प्रॉब्लम किसका है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर आइडेंटिफाई हुई है पिछले सालों में
रेट्रोस्पेक्टिवली से एडजस्ट करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया है कि हमने ठीक ठाक इसे एंजॉय करना है। अभी करना है सर, आइए शुरू करें। रिक्वायरमेंट है फिर आप क्वेश्चन करते हैं ना सीरियस सीरियसली, अगर ये इमटीरियल होता तो क्वेश्चन खत्म हो गया सीरियसली। 2003 बना हुआ है और 2003 हमने बनाना, तो अगर ये इमटीरियल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम नया सवाल करते नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उठ के चले जाते हैं, हम नया सवाल। बड़े अच्छे बाद आपसे मुलाकात हुई लग रही मुझे, आपको भी ये लग रहा है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, रिक्वायरमेंट ए सॉल्व कर रहा हूं। देन सर जी, हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट वाली वर्किंग वंडर लिमिटेड में भी की है, ढूंढेंगे वंडर लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 था, जरूर ढूंढना है, जरूर ढूंढना है, आगे पीछे आना जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग्स में जाए, फर्स्ट वर्किंग क्या हेडिंग थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन, नहीं एरर, हाँ सॉरी एरर था, नीचे चला जाए, एरर के नीचे था, सॉरी एरर के नीचे लिखा होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट। तो वर्किंग हमने की है, एस्टिमेट्स बदल गए, वहां रिवाइज करना जरा चला खोला था, क्या फाइंड आउट किया था पहले, WDV ढूंढे नंबर 2 वर्किंग वेर इज वर्किंग वर्किंग घूमगी 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 सर, WDV निकाली और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएशन। तो एस्टिमेट्स चेंज हो रहे हैं, यहां भी यही करना है, लेकिन एक सेकंड क्वेश्चन में आया जरा वापस, हमारे इस क्वेश्चन में आज एक डी रिक्वायरमेंट भी है जो वहां नहीं थी, डी रिक्वायरमेंट में चेंज इन एस्टीमेट का नोट भी बनाना है, तब यकीन बेटा एस्टीमेट चेंज भी करना है और फिर नोट भी बनाना है। तो नोट में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों को अगर आज हम अंडरस्टैंड कर लें वर्किंग करते हुए, तो हमारा फिर टाइम काफी सेव हो जाएगा। मीन्स उसे यहां से ऑनवर्ड्स अगर कभी भी कोई एस्टीमेट चेंज हो जाए तो मैं एक फॉर्मेट सा बताऊंगा, वो फॉर्मेट फिर इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा जब आपने डिस्क्लोजर बनाना है। यकीनन इस फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं बनाना, लेकिन मैं अब इस फॉर्मेट की तरफ क्यों जाना चाह रहा हूं, ताकि इसी एक काम के साथ साथ हमारा डिस्क्लोजर वाला मेन इशू भी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है सर, आ जाओ वापस, करना मैंने कुछ नया नहीं है, करना जो मैंने है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, एस्टीमेट चेंज करना है, मैंने WDV निकालनी है और क्या करना आगे उसे फ्यूचर में डेप्रिशिएट कर दें, लेकिन थोड़ा सा डेटा कांडी आपने क्वेश्चन में से मुझे ढूंढ के लिखवा देना। स्टार्ट ले सर जी, स्टार्ट ले सर, पता है एस्टीमेट किसके चेंज हो रहे हैं, मशीनरी के या इक्विपमेंट के। अब मैं यहां से ऑनवर्ड जो लिख रहा हूं जब तक कांडी मैं कहूं ना, प्लीज आपने कुछ नहीं लिखना, बताएं इस मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट क्या थी, कब थी, देन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किन सालों में ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, 2000, 2001, 2002, हम 3 में है, तो इन 3 सालों की, अब 3 की तो हमने कैलकुलेट कर, वो ठीक है, वो ठीक है, कितने साल गुजर गए हैं, 2001 and 2, तो इन 3 सालों की मुझे जरा डेप्रिसिएशन बताएं कैसे कैलकुलेट होगी, एक्यूमुलेट हुई होगी, डाटा देखें, डाटा देखें, डाटा देखें, मेथड कौन सा है, व्हाट इज द कॉस्ट, एनी रेजिडुअल वैल्यू, व्हाट वाज द ओरिजिनल लाइफ, कैलकुलेट हुआ, 1 मिनट आंसर बताएं, आप आगे जा रहे हैं यहां तक आंसर बताएं,
सॉल्व करें सर, 24,500 का नाम बताएं, एप्रिसिएशन पर एनम इंटू 3 को कर रहा हूं, आंसर फाइनल बताएं, 73,500 क्या है? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अप टू द डे, अप टू द ईयर, जिसमें एस्टीमेट चेंज हो रहा है, आंसर फाइनली बताएं, व्हाट इज दिस? WDV कह लें, कैरिंग अमाउंट कह लें, 2002 के एंड तक कैरिंग अमाउंट बन गई थी 176,500, यहां तक ठीक है? अब बेटा आपने लिखना ऐसे है, ये स्टोरी थी वॉज, और अब हम नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे, इज था क्या और अब है क्या, ये थोड़ी स्टोरी चलनी, मीन्स उसे नया सॉर्ट ऑफ कॉलम बनने, और कॉलम इज वाले कॉलम के बाद भी स्पेस थोड़ी सी रखनी है। अब लिखना शुरू करें, ये वॉज इज समझ आ रहे क्या मतलब? हाँ, और अब क्या है? नहीं, मोबाइल गिरता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरता। डब्ल्यूडीबी गिवन तो है, लेकिन अब हमें यकीन आ गया, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये देखा तो फिर आगे भी देखें, एक और WDV गिवन है, वो भी इशू है जी। गठे सर, गठे हैं सर, जहां आपने इतनी पेशेंस दिखाई है वहां, यहां तक लिखने के बाद फिर पेशेंस। अब अगर एस्टीमेट चेंज है तो हमारी जो गेम है, हमारी जो गेम अब है, वो 176,500 से फ्यूचर में स्टार्ट होनी है या 250 से स्टार्ट होनी है, तो हम यहां से आगे चलेंगे। यहां तक पहुंच गए थे और अब हमें यहीं से आगे जाना है। डाटा देखें सवाल का। अब आपने मुझे 2003 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवानी और कंसंट्रेशन अब आपने जरा हाईएस्ट लेवल पे ले जानी है, वर्किंग शुरू करवाएं, किस अमाउंट से शुरू करवाऊं? WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की स्टोरी शुरू हो गई जी डियर। 176,500 माइनस 10,000, सबको पता है क्या है? रिवाइज रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ना 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 ना, डिवाइडेड बाय 15 ढूंढे, 15 पहले ढूंढे, रिलैक्स होके 15 ढूंढे, 15 ढूंढे पहले, 15 पहले, एस्टीमेट कहाँ से कहाँ चला गया? हंसियाँ बाहर निकल के इधर उधर बिखर गई हैं, इकट्ठी कर लें, 10 से 15 माइ डियर, लेकिन क्या है 10 और क्या है 15? टोटल लाइफ ढूंढने गई, टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, तो क्या 10 के बाद अब 15 टोटल लाइफ हो गई है? 10 के बाद अब 15 टोटल लाइफ हो गई है, यस 15 टोटल लाइफ है, लेकिन हमने टोटल लेनी है या रिमेनिंग लेनी है? रिमेनिंग लाइफ बताएं,
वो तो कहता 15 साल, हम 12 ले जा रहे हैं। हम 12 लेंगे तभी 15 कैसे बनेंगे, 3 गुजर गए हैं, हम यहां से ऑनवर्ड 12 साल लेंगे तो टोटल 15 ही होंगे। तो डिवाइड बाय 12 करें या 15 करें, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, मेक इट सिंपल। तो डिवाइड बाय, सबने 12 कैलकुलेट कर लिया, कैसे 15 टोटल है और 3 साल गुजर चुके हैं, 2000, 2001 एंड 2002। क्लियर है सारा? आंसर बताओ, मत लिखे मत लिखे, गलत हो रहा है। मैंने तो ऐसे ही बता देना, आपको काटना पड़ना है। ये डेप्रिसिएशन इज है या वॉज है? ये इज है, टू बी नहीं है, ये टू बी की गेम और है, ये इज। एक मिनट, चांस दे, ये कम से कम है, ये डेप्रिसिएशन है। किस साल की? 3 की है, 3 की है। आपको ये पता है अगर एस्टिमेट्स ना बदलते तो डेप्रिसिएशन इस साल भी क्या होती? कैलकुलेटर उठाए दोबारा, अगर ये एस्टिमेट्स में चेंज ना आता तो डेप्रिसिएशन इस साल भी क्या होती? क्या मेथड स्ट्रेट लाइन ही है? कैसे वर्किंग करते हैं आप? इस साल भी 250,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 10, रेमेनिंग ना लेते, रेमेनिंग कब लेते हैं? अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो व्हाट शुड बी द पर एनम डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन थी क्या पर एनम? 24,500 है क्या? 13875। मत लिखे मत लिखे, मैं क्या कर रहा हूँ पहले मैं समझा लेने में। व्हाट इज 13875? ये डेप्रिसिएशन अब है आफ्टर द चेंज इन एस्टिमेट, और अगर एस्टिमेट चेंज ना होते तो ये डेप्रिसिएशन इस साल की भी क्या होती, क्या होती? अब सवाल में जाए, सवाल में जाए, सवाल में जाए। क्या 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं विदाउट कंसीडरिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन? 3 की भी बन गई है, और यार हमने बनानी है, अगर हमने बनानी होती तो हम 24,000 चार्ज करते ही ना, हम क्या चार्ज करके गेम खत्म कर देते। फिगर बोलनी है, फिगर बोलनी है। 13,875, लेकिन क्या 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी गई है? एस्टीमेट चेंज किए बगैर ही बना दी गई है? क्या डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी चार्ज कर दी गई है? कितनी यार, होनी कितनी थी? कैलकुलेटर उठाएं सर, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें सर, डिफरेंस लें। क्या इसे चार्ज करेंगे, रिवर्स करेंगे आप? तो भी रिवर्स क्यों यार, हमने तो चार्ज करनी थी, हमने चार्ज करनी क्या थी? चार्ज हो कैसे गई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी छोड़ दी है, तो कितनी रिवर्स करनी है? कंप्लीट करें, कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं कहा, ऐसे ही लगा। वन जीरो सिक्स टू फाइव आया कैसे? 24,500 माइनस 13875, व्हाट द अमाउंट, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज? 13875 हैज बीन चार्ज, वॉज चार्ज। How much is to be reversed? एंट्रीज उसे मांगी हुई है, वो इंशाल्लाह कर लेते हैं, अपने जेन में बनाने के एंट्री नहीं बना सकते, क्या एंट्री करेंगे? accumulated appreciation debit, appreciation credit, फिर एक दफा लिखते हैं, रिक्वायरमेंट में भी है। आई होप कि क्लियर सारे, कोई कंफ्यूजन किसी का बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी सर, कैसे आ जान दे, कैलकुलेटर लिखे लिखे 2,50,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 10। पुरानी का डेप्रिसिएशन याद, तो पुरानी पर एनम थी 24,500, मैंने ऊपर 73,500 का लिखा, वो 3 सालों की क्यूमुलेटेड थी। तो अगर मैं 3 के एंगल से सोचूं तो दिस वॉज द डेप्रिसिएशन एंड दिस इज द डेप्रिसिएशन।
सर, दोबारा क्वेश्चन की जरा लास्ट लाइन देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की लास्ट लाइन। हमें स्टोरी में नोड भी बनाना है और नोड में जरा कुछ अगली चीजों की जरूरत भी पड़ती है। यहां तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लीज सर, यहां तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें पता चल गया कि ये डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है, लेकिन क्या एस्टीमेट चेंज होने से करंट ईयर के साथ साथ फ्यूचर ईयर की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी? चार्ज होगी तो नहीं, अभी वो हुई नहीं है, यकीनन जब फ्यूचर आएगा तो चार्ज तब होगी, लेकिन क्या एस्टीमेट अगर चेंज हुआ है तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज करने से करंट ईयर के साथ साथ प्रायर ईयर्स में भी चेंज आता है? नो, मैंने गलत कहा, मैंने जान के गलत वर्ड बोल दिए, प्रायर ईयर में नहीं आता, फ्यूचर ईयर्स में आता है। तो प्रायर ईयर में हो गया जो हो गया, लेकिन क्या इससे फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन में भी चेंज आएगा? तो ये जो फ्यूचर का चेंज होता है ये डिस्क्लोजर में देना होता है, तो डिस्क्लोजर में कैसे देना होता है वो बाद में करेंगे, पहले वर्किंग करना। यहां तक जरा कैरिंग अमाउंट्स कैलकुलेट करवा दें, कैरिंग अमाउंट्स एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर बोलेंगे ये 2003। बता सकते हैं कैरिंग अमाउंट क्या होती अगर एस्टीमेट चेंज ना होता? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, अगर 176,500 में से 24,500 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? नहीं, क्या आएगा, ये क्या आएगा? वो कैरिंग अमाउंट जो होती एस्टीमेट चेंज ना हुआ होता। और इस वाला सॉल्व करूंगा, ये क्या है सर? ये मत करें, मत करें, कैरिंग अमाउंट है, ये क्या है, क्या है, ये कौन सी कैरिंग अमाउंट है? इतनी कैरिंग अमाउंट, सब इतनी कैरिंग अमाउंट हुआ करेंगे, ये कौन सी कैरिंग अमाउंट है, वो कौन सी कैरिंग अमाउंट थी? वो होनी थी अगर एस्टीमेट चेंज ना हुआ होता। और ये क्या है 162,625? ये एस्टीमेट चेंज होने के बाद हमारी फाइनल कैरिंग अमाउंट है, ऐसे ही है सर। डेफिनेटली एस्टीमेट चेंज हो चुका है, लेकिन हमें कंपैरिजन कर रहे हैं एस्टीमेट चेंज होने से इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं। तो असल जो इंपैक्ट है वो क्या है? अब एक सेकंड रुके, जरा यहां तक आगे, यहां तक रुक, अगर लिख रहे तो लिख रहे। जी हम रेडी, तो नेक्स्ट बेटा आपको लिखना नहीं करनी, आपने थोड़ी सी एक वर्किंग करवानी है। फ्यूचर डेप्रिसिएशन के बारे में शेयर होल्डर को डिस्क्लोजर देना होता है कि इस एस्टीमेट के चेंज होने से अब फ्यूचर की डेप्रिसिएशन में कितना डिफरेंस आएगा, करंट ईयर भी बताना होता है और फ्यूचर ईयर्स का भी डिस्क्लोजर देना होता है। तो जरा इस डेटा को देख के फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन सोची जा सकती है, लेकिन जो अब फ्यूचर में कह रहा हूं, फ्यूचर डजेंट मीन्स नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर मीन्स अगले सारे साल, अगला एक साल या अगले सारे साल, अगले कितने साल, जितने रह गए, जितने रह गए। बोर्ड पे देखे जरा, 1,52,000 से शुरू करेंगे। 1,52,000 क्या है? कैरिंग अमाउंट है। क्या अगले सालों में ये सारी अमाउंट डेप्रिशिएट नहीं होनी? क्या ये सारी अमाउंट डेप्रिशिएट होनी है? सवाल देखें, क्या रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है? बचपन याद आना चाहिए, क्या रेजिडुअल वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाती है या रेजिडुअल वैल्यू बच जाती है एंड में? कैलकुलेटर उठाएं, 2,50,000 लिखें, क्या नाम है इसका, कॉस्ट माइनस 5,000 करें, डिवाइड बाय 10 करें, पर एनम निकाल के सामने रख लें, क्या ये 24,500? ओरिजिनल लाइफ क्या थी? इनटू 10 करेंगे तो 2,50,000 ने सारा डेप्रिशिएट नहीं होना फ्यूचर में, 10 सालों में 2,50,000 ने डेप्रिशिएट नहीं होना, 5,000 जो रेजिडुअल वैल्यू है वो तो इनमें मिल जानी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएट होती है या कॉस्ट डेप्रिशिएट होती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? ये वाली बात तो नहीं हो सकती, हो सकती है आज, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू,
लाख एसेट है, 5,000 एंड में मिल जाना है, 5,000 एसडब्ल्यू एंड में मिल जानी थी, एक्सपेक्टेड था। तो डेप्रिशिएट टोटल होना कितना था, 2,45,000 इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। दोबारा कैलकुलेटर में जीरो करें, फिर लिखें 250,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 10, क्या है ये पर एनम। अब हिम्मत करें जरा, पहले वॉस देखें, हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत, सोच के बताएं यहां तक मैट्रिक लगा रहा ढूंढे कहां तक, कितने साल गुजर गए हैं, कितने साल गुजर गए हैं, 4 हो गए हैं, 3 कब तक गुजरे थे, वहां तक 176,500 तक, 3 गुजर गए 4 गुजर गए हैं, 3 गुजर गए 4 गुजर गए हैं, फ्यूचर के कितने साल रह गए हैं, 6, कितने थे 11। ओ यार वाज, यार बैड वाज हो रहा है अभी, यार वाज हो रहा है यार, कितने टोटल साल थे, कितने गुजर गए हैं, कितने फ्यूचर के हैं, अपने कैलकुलेटर पे देखें, इस फिगर का नाम बताएं क्या है, एक साल की, अगर मैं फ्यूचर की निकालना चाहता हूं स्टोरी में तो इनटू 6 करें, बोर्ड पे देखें 152, वो 152, ये 147, ये क्या है, ये वही है, ये वही। तो क्या फ्यूचर की डेप्रिसिएशन अगर एस्टिमेट डे ना होते 4 साल बाद, तो 147,000 होती या 152,000 होती? 147 तक मेरे नजदीक पहुंचने का सबसे आसान तरीका एक अकाउंटेंट बन के 152 माइनस 5,000 है। हाँ, अल्टरनेटिवली वो भी है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, और बताए वो क्या है, 24,500 मल्टीप्लाइड बाय 6 अगले साल, यहां तक लिखे, आई होप कि आपने एंजॉय की बात। ये पेन है, अच्छा ये इस बार ही कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर की डेप्रिसिएशन, इस सिचुएशन में है, सिचुएशन में फ्यूचर की डेप्रिसिएशन जैसे आपका दिल करता है। मेरी सजेशन ये दोनों तरह करें, अपने आप को यकीन दिलाएं। इस सिनेरियो में फ्यूचर की डेप्रिसिएशन एक तो सिंपल है, 162 6 टू 5 माइनस 5 माइनस 10, क्या माइनस 10 रिवाइज रेजुअल वैल्यू, लेकिन और सिचुएशन में भी करवानी कंपलसरी है। व्हाट इज पर एनम डेप्रिसिएशन, नहीं यार वो तो डिफरेंस ऑफ वैल्यू क्या कर रहा है, क्यों मेरा टेस्ट लेता है यार, मैं मेरी इतनी मुश्किल से रटा लगाया मैंने। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन पर एनम, 13875। अब बताएं फ्यूचर के कितने इयर्स रहते हैं इस सिचुएशन में, 11 कैसे भाईजान, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ऐसे ही बताएंगे तो पता चलेगा। व्हाट इज द टोटल लाइफ इन द इस सिनेरियो, टोटल लाइफ इज 15 इयर्स, कितने गुजर चुके हैं अब भैया, 3 गुजरे थे, 3 कहां तक गुजरे थे, 2003 तक कितने साल गुजर गए, 12 11 मल्टीप्लाई करके देखें, 13875 मल्टीप्लाई फ्यूचर 11 इयर्स, 152 करें कंप्लीट, एंड यू कैन फिल इन द फिगर्स।
दोनों का डिफरेंस लें, 5625 मत लिखे अभी, किसका डिफरेंस है ये? फ्यूचर की डेप्रिसिएशन में इतने रुपए से डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आ रहा है, क्या इस डिफरेंस को इसी साल चार्ज करना है? ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ये फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है, फ्यूचर में चार्ज होनी है, इसका शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर किस चीज का देना है? गौर से देखें, क्या डेप्रिसिएशन बढ़ रही है कम हो रही है? क्या एस्टीमेट चेंज होने से फ्यूचर में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी? कितनी ज्यादा चार्ज होगी? ये इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर पीरियड्स टू बी डिस्क्लोज टू शेयर होल्डर्स। ये एक सेकंड, ये फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन की वर्किंग सिर्फ एक डिस्क्लोजर के अंदर से हुई है जो शेयर होल्डर्स को बताना है कि ये डेप्रिसिएशन इंक्रीज होनी है फ्यूचर ईयर्स में, जिससे प्रॉफिट फिर अल्टीमेटली क्या होना है वो आपसे बात पूछूंगा। जी बैठ आपके क्या नहीं, 11-7 का भी फर्क है और रेजिडुअल वैल्यू भी ज्यादा हुई है, रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा, असल में डेप्रिसिएशन अब कम चार्ज हो रही है, इस साल कम चार्ज हो रही है, लेकिन फ्यूचर ईयर्स में ज्यादा चार्ज हो रही है। नेट इफेक्ट है सेम है, नेट इफेक्ट सॉरी सेम इसलिए नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू 5000 ज्यादा, रेजिडुअल वैल्यू 5000 बढ़ गई है, 5000 से 10000 हो गई है, 176000 ने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना था, लेकिन वो होना था अगले 6 सालों में ऑन द बेस ऑफ 5000 रेजिडुअल वैल्यू। अब इसी 176500 ने डेप्रिशिएट होना है फ्यूचर ईयर्स में, लेकिन अब रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो करंट ईयर में गौर से देखें, करंट ईयर में डिक्रीज आ रहा है, अब कम चार्ज होने हैं, लेकिन फ्यूचर ईयर में एक्स्ट्रा चार्ज होने बेस्ड ऑन दिस वर्किंग। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन प्लीज पढ़ने जरा ब्रैकेट में क्या लिखा मैं, इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन है? करंट ईयर में क्या हो रहा है? करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है ज्यादा, और हिम्मत करें यार, लेकिन फ्यूचर ईयर में क्या एक्सपेक्टेड है? ज्यादा चार्ज हो रही है। चलो आगे बी रिक्वायरमेंट, मेरा ख्याल में अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो ना सर, नेट 6 सालों में या 11 सालों में चार्ज हो रहे अगर रेजिडुअल वैल्यू ना होती। जी सर काट देते हैं सर, अब बेटा गलत देख रहे हैं ना, इस तरह ना ना करें, अभी गलत देख रहे हैं आप, अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो कैलकुलेटर उठाए, 24,500 लिखें, 24,500 ने अगले 7 सालों में डेप्रिशिएट, अगले 7 सालों में चार्ज होना था, वापिस आ रहे नहीं, वापिस आ रहे जहां थे हम 176,500 पे थे, क्या इसी ने डेप्रिशिएट होना था? इसी ने डेप्रिशिएट होना था, फ्यूचर में इसी ने होना था, फ्यूचर में इसी ने होना था, फ्यूचर में इसी ने होना था, इज भी वॉज भी यही अमाउंट रह गई थी जिसने डेप्रिशिएट होना था, और यही अमाउंट रह गई है जिसने डेप्रिशिएट होना है 176,500। तो अगर ये एस्टीमेट चेंज ना होते, कैलकुलेटर पे लिखें 24,500 और रिमेनिंग ईयर्स 7 बनेंगे, 24,500 × 7 ये 171,500 डेप्रिशिएट होना था, वहां लिखा 176,500, 5000 यहां तक ठीक है, दूसरी दफा अब डेप्रिशिएट होना कितना है? 13,000 प्लीज बता देना यार, 875 कितने फ्यूचर ईयर्स में? नहीं अब वो इस साल से आगे देखें तो 11, लेकिन जो भाई सवाल पूछ रहा है वो फिर सारे सालों को कंसिडर करके देखें, इंटू 12 करें, इंटू 12 मीन्स 166,500। अब ये डेप्रिसिएशन और वो डेप्रिसिएशन डिफरेंट क्यों आ रही? सर ये देखे ना अभी यार, अब जो आपने बात की आप देखें, अब इसमें 10,000 का फर्क आ रहा है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन में 10,000 का फर्क क्यों आ रहा है?
अब रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, वहां डेप्रिसिएशन में 5,000 का फर्क क्यों आ रहा है? तो डेप्रिशिएट वही होना था अगर रेजिडुअल वैल्यू 5,000 रहती। अगर रेजिडुअल वैल्यू 5,000 होती तो हम वर्किंग कैसे करते? 176,500 लिखे ना यार, -5,000 डिवाइडेड बाय 12। 12 ही ना मीनिंग लाइफ है ना, इज में तो क्या बनती है पर है ना सर जी, क्या बनती है पर है ना, तो कैलकुलेटर पे आ रही हुई है बोलनी है, 14291 ये बनती है। ये कितने साल चार्ज होनी थी इंटू 12 कर, 12 सालों में कितना डेप्रिशिएट होना था? क्या उतना ही होना था जितना अदरवाइज भी होना था अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज ना होती? अब ठीक है प्लीज, तो हमने अब करंट ईयर में तो कुछ कम चार्ज हुई है, लेकिन उस कम चार्ज होने से फ्यूचर पे इफेक्ट ये है, ओवरऑल प्लीज कोई फर्क नहीं है देखिए अब। लेकिन करंट ईयर में जो कम चार्ज हो रही है उसका इफेक्ट भी नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, बेस में ईयर ज्यादा होंगे, बेस में ईयर ज्यादा होने से पर एनम बदल गया है, तो पर एनम कम होने से करंट ईयर में कम है और अगले सालों में ज्यादा साल है। इधर कितने रिमेनिंग साल है? इधर रिमेनिंग 6 साल है रिमेनिंग अब आगे, और उधर रिमेनिंग 11 साल है, तो 11 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होके अमाउंट ज्यादा है पर एनम कम है। अब ठीक है प्लीज, ये और भी कंफ्यूज नहीं, 625 के है नहीं, 5625 फ्यूचर के सारे ईयर्स में जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो है, पर एनम 5625 नहीं है। सर जी ना करें इस तरह, ना करें भाई साहब ना करें, फिगर्स गौर से देखें। मेरे पास जो डेप्रिसिएशन अब आ गई है इनमें अब रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, 147,000 और 152,625 में अब रेजिडुअल वैल्यूज को कोई इफेक्ट नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। कैरिंग अमाउंट क्या है? वॉर सिनेरियो में कैरिंग अमाउंट बोले और फ्यूचर में डेप्रिशिएट कितना करेंगे? 5,000 क्यों नहीं डेप्रिशिएट करेंगे? और रेजिडुअल वैल्यू है तो इस 147 में अब रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, उस तरफ जाए 162,625 के है, ये अब WDV है ना, करिए यार वर्ड तो सही बोल, ये अब WDV है, इसके नीचे 152,625 के है, फ्यूचर की नो डेप्रिशिएबल अमाउंट, इस फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है ना करो, क्यों जान चढ़ाई जा रहा हूँ? तो सामने लिखा वही लिखा हो, 162,625 अब इज कैरिंग अमाउंट है, 152,625 फ्यूचर में डेप्रिसिएशन होगी, 10,000 क्या है जो डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो अभी इन अमाउंट्स में जो डिफरेंस है 147 और 152,625 में, ये वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है जो एस्टीमेट चेंज होने की वजह से फ्यूचर में चाहते हो। तो व्हाट इज दिस 5625 ब्रैकेट पढ़े, ये फ्यूचर की वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है जो हमें चार्ज करनी नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसका करना क्या है? शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि अब वो तैयार रहें कि फ्यूचर में उनके प्रॉफिट्स 5625 से बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, प्रॉफिट के एंगल से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी या कम होगी फ्यूचर की, और उससे फिर उन्हें तैयार रहना है कि फ्यूचर में उनके 5625 से प्रॉफिट्स कम हो जाए। ठीक है सर, आपके कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज, चलो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। घर के लिए काइंडली बता के उठें क्या क्या करना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जरूर घंटा दें, मतलब बात ऐसी खराब हो जानी। नहीं इसका मैं इफेक्ट बताता हूँ, इसका मैं इफेक्ट अब बताता हूँ, इन्हें जाना कहाँ कहाँ है तो वो परेशान ना हो। ये 1065 तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है 3 में, तो ये तो अभी करते हैं, लेकिन ये जो 5625 कैलकुलेट किया है ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए किया, इसका 3 पे इफेक्ट नहीं है, इसका जो फ्यूचर पे इफेक्ट है ये शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करके दिखा, तो वो डिस्क्लोजर फिर मैंने इंशाल्लाह कल बना। सजीव ये फिर भी लिख रहे हैं ये डिस्क्लोजर है, तो इसको ना कंफ्यूज करें कि क्या करना है, यहां तक समझ आ गए, बाकी कल करें। ये सिर्फ डेप्रिसिएशंस का डिफरेंस है, डेप्रिसिएशंस का डिफरेंस है, और डेप्रिसिएशन में रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए।